हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सतीश रावत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एसआर रोबोटिक्स। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक शानदार सा मॉडल। इसे आप इंस्पायर अवार्ड के लिए बना सकते हैं, स्कूल मॉडल के लिए बना सकते हैं। बेस्ट मॉडल है अभी तक का मेरा ये, आप इसे बनाइए। तो इसका नाम है स्पीड ब्रेकर पावर जनरेशन विद एक्सीडेंट प्रिवेंशन। सो इसमें दो तरह के मैंने पार्ट बताए, पहला तो स्पीड ब्रेकर का, दूसरा ये एक्सीडेंट का प्रिवेंशन को लेके है, रोड सेफ्टी मॉडल। तो दोनों को कंबाइन कर दिया है, दोनों ही अच्छे से वर्क करते हैं। इसके अंदर वर्किंग क्या है मैं पूरी डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ। इससे अलावा आपको एक इंपॉर्टेंट बता दूँ, मैंने क्लास वाइज अपने बेस्ट प्रोजेक्ट नीचे दिए हैं जो आपके स्कूल लेवल के लिए सबसे बेस्ट होंगे, वो जाके आप चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, ये कुछ इस तरह से दिखता है। मैंने तो थोड़ा छोटा बनाया, आप चाहे तो बड़ा भी बना सकते हैं। और इसको बनाना चालू करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि वर्किंग कैसे करता था। इसे मान लीजिए कि अगर उधर से कोई पर्सन आता है, अगर उधर से कोई पर्सन आ रहा है तो ये देखिए इधर से लाइट से जल रही है। अगर इधर से कोई गाड़ी से पर्सन जाता है तो लाइट जो इधर से जलेगी। तो दोनों तरफ से एनर्जी जनरेट हो रही है इसके अंदर। एक तरह का मॉडल है, वर्किंग है और यूनिक है, तो इसे आपको बनाना है। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट जो देख लेते हैं हम, उसके दो सेंसर्स लगाए हमने, ठीक है। अगर मान लीजिए ये पहाड़ी इलाकों के अंदर होता क्या है कि पहाड़ी इलाकों में एक ही तरफ का रास्ता होता है, जो पहाड़ के गोलाई में रहता है, और गाड़ियों का बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है क्योंकि पहाड़ के दूसरी साइड उनको कुछ दिखता नहीं है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे सेंसर्स और यहाँ लाइट्स लगाई हुई हैं, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, बजर भी लगाया हुआ है। ग्रीन लाइट इसका मतलब भी कोई सेंसर्स के सामने इस रोड पे कोई दिक्कत नहीं जा सकते हैं। मान लीजिए कोई गाड़ी इधर से आती है पहाड़ के इस कॉर्नर पे और उसको दूसरे कॉर्नर पे जाना है, तो जैसे ही ये इधर आएगी ना, तो इधर जाएगी तो देखिए इधर वाले सिग्नल को, इधर वाले जो रोड है उसको सिग्नल मिल गया है कि भाई यहाँ पर आप कोई मत आओ, इधर से गाड़ी आ रही है। यही सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। किसी स्टूडेंट ने मुझसे कहा था इसको बनाने के लिए, मैं बना रहा उसको, फिर गाड़ी निकल जाएगी इधर से आराम से, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट मान लो गाड़ी इधर से आएगी ना, तो फिर क्या होगा कि इधर वाली गाड़ियों को रोक देगी, वो बोलेगी कि भाई हाँ इधर रुक जाओ क्योंकि उधर से गाड़ी आ रही है। तो इधर के लिए ग्रीन है, ये इधर से क्लियर होएगी, जब गाड़ी यहाँ से यहाँ निकलेगी तभी आगे होगा काम। दोनों सेंसर इसमें अच्छे से पूरी अच्छे से वर्किंग करते हैं, ठीक है। दोनों साइड आ जाएंगी गाड़ियाँ तो दोनों रुक जाएंगी, दोनों काम नहीं करेंगी, बैक साइड इनको आना पड़ेगा। तो लेके एक्सीडेंट को रोकने के लिए सबसे अच्छा मॉडल है। इसका वीडियो पूरा कम्प्लीटली मैंने मेकिंग डाल दिया है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सतीश रावत और आप देख रहे हैं एसआर रोबोटिक्स। और आज मैं एक लेके आया यूनिक और नया इंस्पायर अवार्ड के लिए भी इस प्रोजेक्ट को ले जा सकते हैं, डेफिनेटली आपको प्राइज मिलेगा इसमें। और ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और रोड प्रिवेंशन को लेके हैं, बहुत कम लोग इसको बनाते हैं, तो आप लोग ज़रूर बनाएं। तो मैंने जो पार्ट आपको भी बताया है वो पेस्टिंग वाला काम तो कर लेना, मेन इसमें सर्किट वाला पार्ट है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने दो सेंसर पार्ट ऐसे लगाए हैं, ये एक पार्ट मैं बना चुका हूँ।
यही जो है सेंसर के लेफ्ट और राइट साइड में दोनों यही पार्ट लगे हुए हैं, तो इसको मैं बनाना सिखाऊंगा। पहले इसकी वर्किंग बता देता हूँ मैं आपको, और मेरे जितने भी इंस्पायर अवार्ड वाले जो प्रोजेक्ट हैं या जो विनिंग प्रोजेक्ट है वो मैंने लिस्ट नीचे डाल दिया, आप नीचे जाके चेक कर लें। अच्छे से अच्छे वीडियो आपको मिल जाएंगे, मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं क्लास वाइज, तो आप वहाँ वीडियो को चेक करें और अपने प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करके बनाएं। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे ग्रीन लाइट लगा हुआ है जैसा वीडियो में दिख रहा था आपको, और जैसे ही कोई ऑब्स्टिकल आता है, फॉर एग्जाम्पल कोई गाड़ी आती है, तो जैसे कोई गाड़ी आएगी तो ये देखिए तो अलार्म बजने लगेगा, रेड लाइट भी चालू हो जाएगी, तो सामने वाला पर्सन नहीं आएगा। जब ये पूरा निकल जाएगा उससे कुछ सेकंड बाद उधर वाला पर्सन इधर चल जाएगा। तो ये दो तरह के सेंसर है, किस तरह से वर्क करते हैं, इसमें क्या क्या सामान लगता है। ये रेगुलेटर लगेगा एक, ठीक है, और बैटरी कैप लगेगा, इसमें स्विच भी लगा सकते हैं आप। ये सेंसर है, इसे आयर सेंसर बोलते हैं। अब ध्यान रहे मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये जो आयर सेंसर आप यूज़ करें इसी तरह का यूज़ करना है आपको, क्योंकि इनके जो सेंसर का आउटपुट होता है बाय डिफॉल्ट हाई होता है। अगर इसकी जगह आपने दूसरे आईआर सेंसर यूज़ करते हैं तो उनका आउटपुट लो हो जाएगा, चेंज सिग्नल चेंज हो जाएगा। तो ये बात को समझना आप और यही सेंसर यूज़ करना, ठीक है। और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहे तो आप बाय भी कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। इसके अलावा देखिए हमें चाहिए होगा रेड रेड एलईडी, ग्रीन एलईडी, और यहाँ बजर चाहिए, और एक रजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर चाहिए। ध्यान रहे ये जो ट्रांजिस्टर, इसके बारे में बता देता हूँ आपको। ये ट्रांजिस्टर 2N2222A है। मैं इसका यूज़ टेस्ला कॉइल बनाने में करता हूँ, आप वीडियो चेक कर सकते हैं, मैंने लिंक दे दिया नीचे। तो 2N2222A से ही बनेगा, दूसरे ट्रांजिस्टर से मत बनाना आप, दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने इसी का यूज़ किया है। रजिस्टर की वैल्यू जो है वो 220 ओम से लेकर 1 किलो ओम तक कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। ये जीरो पीसीबी चाहिए होगी हमें। तो ये देखिए हमारे पास रजिस्टर है, मैं 220 ओम यूज़ कर रहा हूँ रजिस्टर। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये रेगुलेटर ये वाला पार्ट करते हैं, मैं आपको दिखाते चलता हूँ। तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने थोड़ा सा पार्ट पहले बना रखा था कि वीडियो थोड़ा सा लंबा ना हो जाए। ये देखिए मैंने ये आईआर सेंसर लिया, इसके पॉजिटिव में ब्राउन वायर जोड़ा है और ब्लैक नेगेटिव में जोड़ा है, GND में, देखो ये, ओके, ये दिख गया होगा आपको अच्छे से। अब ये जो है रेगुलेटर से जुड़ा हमारा, ये रेगुलेटर 7805 का, इसका काम क्या होता है, इससे जो 9 वोल्ट जा रहा है बैटरी से वो क्या 5 वोल्ट सेंसर को देगा, ठीक है। तो 7805 रेगुलेटर का यूज़ करना है आपको 100%। इसके अलावा इसको सीधा लगाना है, अगर ये उल्टा आप इसको यूज़ करोगे इस तरीके से तो ये काम नहीं करेगा, इसलिए याद रहे रेड वायर पॉइंट नंबर वन इसको चलाना है। तो आपको पॉइंट नंबर वन कि ये रेड वायर जो है इस इधर से आना चाहिए, ठीक है, इधर से सीधा होना चाहिए, फ्रंट व्यू पढ़ने पे आना चाहिए। 7805 रेगुलेटर स्विच लगा दिया मैंने, स्विच देख लो आप, इस सर्किट डायग्राम दिख रहा है आपको यहाँ से, ठीक है, अभी नहीं चल रहा है लेकिन जब इसके सामने ऑब्स्टिकल आएगा तो वर्क करेगा, देखिए दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये हमारा सेंसर काम कर रहा है, स्टेप नंबर वन यहाँ चेक कर ले आप, पूरा बनने के बाद फिर दिक्कत आई आपको, ये पार्ट हो गया कंप्लीट। चलो ठीक है, ये वाला पार्ट को हम साइड में रख देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको सर्किट डायग्राम बता देता हूँ। देखिए मैंने सर्किट डायग्राम में क्या क्या कर रखा है, बैटरी कैप से पॉजिटिव लेके रेगुलेटर में जोड़ दिया, फिर यहाँ से देखो नेगेटिव दो वायर लेके सेंसर के, देखिए सेंसर के पॉइंट में जोड़ दिए मैंने, ठीक है। अब सेंसर के पॉइंट में देखो ये वाला आउटपुट जा रहा है VCC में, ये जा रहा है GND में। अब जो सेंसर है उससे हम आगे के वाला पार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये वाला पार्ट तैयार करना पड़ेगा। ये पूरा मैंने डिटेल में दिया हुआ है, और आप इसे स्टूडेंट हैं आपको सोल्डरिंग नहीं आता तो प्लीज़ आप किसी और से हेल्प ले लें, क्योंकि इसमें सोल्डरिंग बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है। सोल्डरिंग अच्छी नहीं है तो आप इसको ना बनाएं, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, बाय कर ले डायरेक्ट ही, मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए बनाते हैं। तो हमें चाहिए होगा सबसे पहले, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके सेटअप को वैसे रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। मैं इसको ऐसे रख देता हूँ और इसको सेट कर लेता हूँ। सबसे पहली बात, मुझे बजर का जो पॉजिटिव है मैं इसे राइट साइड में रख रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ, देखो बजर का पॉजिटिव लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये फोकस कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है, इसको जोड़ दिया मैंने, इसकी लैग्स को थोड़ा सा आप अलग कर ले, ठीक है, ओके, उल्टा लगा दिया मैंने, ये लगा दिया, ठीक है। ध्यान रहे आप इसे सीधा लगाएं, देखिए कंपोनेंट इस साइड लगने चाहिए, शोल्ड इस साइड होता है जिधर कॉपर होता है, कॉपर चमक रहा है, कॉपर है, ओके। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है, ये ट्रांजिस्टर को लगा दें आप इस साइड से, ये 2N2222 ये ट्रांजिस्टर है, मैं लिंक दे दूंगा नीचे, ठीक है, आप इसको लगा दें। अब यहाँ शोल्ड करना पड़ेगा हमें पहले हर एक पॉइंट को अलग अलग। नेक्स्ट क्या करना हमें, यहाँ पे एक LED लेनी है और LED को कनेक्ट करना है। अब ध्यान रख ले LED का जो पॉजिटिव है एक साइड रखेंगे, देखो सारे पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव इधर है, इसका भी पॉजिटिव में इधर रखना है, देखिए बड़ी लैग जो होती है, बड़ी लैग जो पॉजिटिव की है, ये लीजिए मैंने बड़ा लैग जो है पॉजिटिव का रख दिया इधर की साइड मेरे, ये सब मैं अभी ऐसे ही लगा रहा हूँ रैंडमली, ठीक है। अब उसके बाद रेड का भी पॉजिटिव इधर रख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा देखिए मैंने यहाँ तीन रजिस्टर लगा रखे, 1, 2, 3, तो मैं भी रजिस्टर लगा दे, 220 ओम का, 220 ओम से लेकर 1 किलो ओम तक का यूज़।